नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlallentop.com। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन हुआ था सपा और बसपा के बीच में। लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि कौन कहां से लड़ेगा, किस सीट पर सपा लड़ेगी, किस सीट पर बसपा लड़ेगी। तो यह अब साफ हो गया है, पता चल गया है कि किन सीटों सपा लड़ने वाली है, किन से बसपा। लिस्ट जारी हो गई है, अखिलेश यादव ने खुद ये लिस्ट जारी की है, दोनों के सिग्नेचर है, मायावती के भी और अखिलेश यादव के भी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन सी सीटों पर सपा लड़ने वाली है, हमारे साथी विनय है वो बताएंगे। जैसे पहले भी मीडिया में खबरें आ रही थी कि इन दोनों का जो गठबंधन था उसमें 37-37 सीटों पर लड़ने की बात आ रही थी, लेकिन अभी जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें 38 सीटों पर बसपा लड़ रही है और 37 सीटों पर टोटल 75 सीटें जारी की समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उसमें मैं आपको समाजवादी पार्टी की पहले 37 सीटें आपको बता देता हूं। कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गाजियाबाद, हाथरस जो कि SC सीट है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, इटावा, कन्नौज, कानपुर, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज जो SC सीट है, यहाँ पे सपा के उम्मीदवार इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और रही बात बसपा की जो 38 सीटें हैं उसमें सहारनपुर है, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला, शाहजहानपुर जो कि SC सीट है, धौरहरा, सीतापुर, मिश्रिक, हाँ, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फरुखाबाद, अकबरपुर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, अम्बेडकर नगर, कैसरगंज, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, बांसगांव जो कि SC सीट है, लालगंज SC सीट है, घोसी, सलेमपुर, जौनपुर, मछली शहर SC सीट है और गाजीपुर भदोही, ये 38 सीटें जो है वो बसपा के खाते में गई है। कुल जमा 75 सीटों के ऊपर गठबंधन हो गया। आप इस पूरे की पूरे लिस्ट में खास बात यह है कि अमेठी, रायबरेली में अभी तक इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का बंटवारा नहीं किया। कांग्रेस की परंपरागत सीटें वहां पे दोनों जगह, तो वो अभी तक उन्होंने उम्मीदवार वहां पे घोषित नहीं किया। एक दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, आपने रिपोर्ट भी की थी, अभी मैं उसके बारे में बताऊं। उसके अलावा बागपत और मथुरा दोनों सीटें जो है जहां से रालोद के कैंडिडेट उतरने वाले थे इस गठबंधन के तहत, वो भी अभी भी उनका गठबंधन भी जो है अधर झूल में लटका हुआ, हालांकि इन लोगों ने अभी तक उसकी घोषणा भी नहीं की है। तो ये मोटा मोटी पांच सीटों पर भी स्थिति क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं, पांच सीटें छोड़ दी है बातचीत के लिए एक तरीके से। जब पहले शुरुआत में जो फॉर्मूला आया था उसमें 37-37 सीटें दोनों पार्टियों के पास में थी, दो सीटें रालोद के पास में जाने वाली थी, दो कांग्रेस की सीटें छोड़े जाने वाली थी, उसके अलावा दो और सीटें थी जो अगर भाजपा गठबंधन से कोई दल या भाजपा कोई बागी आते हैं तो उनके लिए रिजर्व रखी गई थी अंतिम समय के लिए, लेकिन उसमें से एक सीट जो है अभी BSP के खाते में ऑलरेडी चली गई, क्योंकि जब गठबंधन की घोषणा हुई थी तब 37 सीटों पे और दो सीटें रालोद के लिए, कांग्रेस को उस गठबंधन से बाहर रखा गया था। अब उत्तर प्रदेश में बुनियादी बात यह है कि हर आदमी जो है, हर पार्टी जो है अपने किस्म से गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। बसपा के साथ में कांग्रेस की नाराजगी इस वजह से, या कांग्रेस के प्रति की नाराजगी इस वजह से है, उसका एक नुक्ता है नसीमुद्दीन जो कि किसी जमाने में मायावती के बहुत कॉन्फिडेंट साथी हुआ करते थे, दाहिना हाथ उनको कहा जाता था, उनके साथ अदावत मायावती की शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने प्रेस में बयानबाजी की, मायावती का एक ऑडियो भी लीक किया जिसके अंदर 50 करोड़ रुपया लेन देन की बात थी। उसके बाद में मायावती काफी भड़की हुई थी। फरवरी 2018 में नसीमुद्दीन ने 10 महीने का लगभग वो बाहर रहे, राजनीति में हाशिए पे रहे, पहले वो सपा के साथ समझौता करना चाह रहे थे लेकिन वहां बात नहीं तो फिर वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने, और इस चीज से मायावती बुरी तरीके से भड़की हुई थी। इसी का हमको नतीजा ये दिखा कि दिसंबर 2018 में जब चुनाव हुए तो मायावती ने छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी से हाथ मिला लिया था। अजीत जोगी वही उसी स्थिति में है कांग्रेस आलाकमान के लिए जिस स्थिति में नसीमुद्दीन मायावती के लिए हैं। अब जब ये हो गया कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर रहेगी तो फिर कांग्रेस ने अपना तुरुप का पता चला, प्रियंका गांधी को वहां पे उतार दिया, और प्रियंका गांधी को वहां उतारने के बाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां उतारने के बाद में अब कांग्रेस जो है वो नए सिरे से गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। इसका दबाव भी सपा बसपा पर बना है और उसमें महान दल पहला LI था जो 2014 में भी उनके साथ लड़ा था, वो फिर से उनके साथ में आ गया है। और उसके बाद में ये खबर आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयंत चौधरी जो कि रालोद अध्यक्ष जो है, अजीत चौधरी उनके लड़के हैं, तो उनके साथ में क्योंकि पश्चिमी यूपी की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया
के पास में, वो दो बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं और रालोद जो है वो दो सीटों के बंटवारे से खुश नहीं, वो चार। जयंत को लग रहा होगा कहीं कहीं कांग्रेस से अगर साथ में लड़ते हैं तो सीटें बढ़ जाएंगी, दोनों तरीके, क्योंकि सपा बसपा उनको मात्र दो सीटें दी हैं दोनों तरीके की बात है। जयंत ये भी चाहेंगे कि अगर वो सपा बसपा के साथ भी रहें तो कांग्रेस से मुलाकात करके सपा बसपा के ऊपर थोड़ा एक दबाव बनाए की कोशिश करें और ज्यादा सीटें हासिल कर पाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पुराना गढ़ रहा है, जाटलैंड बोलते हैं यहाँ पे किसी माने, और चौधरी चरण सिंह की लंबी विरासत उनके परिवार के पास में, और वैसे परिवार को दो ही सीटों पर उस पार्टी को समेट देना जो है उनको भी गले नहीं उतर रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में वो लगातार नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो दोनों तरफ से देख रहे हैं। ऐसी ही स्थिति बहुत सारे दलों की, अभी हमारे सामने जो खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर जो कि बीजेपी के सहयोगी थे तो वो अभी बीजेपी के साथ उनकी सुलह हो गई है, लेकिन अनुप्रिया पटेल फिर बागी हो गई हैं। तो अभी ये ओम प्रकाश राजभर को मनाया, उधर अनुप्रिया पटेल ने अपना झंडा उठा दिया कि हमें भी समायोजित और सीटें बढ़ा गई। हाँ, आप समझिए सौरभ, क्योंकि ये जो दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं चुनाव से पहले ही यहाँ पे सौदेबाजी की गुंजाइश जो होती है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि चार साल से अनुप्रिया पटेल की सरकार में मंत्री थी लेकिन लगातार उनको नजरअंदाज किया जा रहा था बीजेपी नेतृत्व की तरफ से। तो अब वो भी सौदेबाजी में उतर आई, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ये नहीं चाहेगी वो किसी तरीके से कमजोर हो। दूसरा अहम नुकता ये था कि सपा परिवार में जो फूट हुई थी उसके बाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी शिवपाल यादव ने, अब शिवपाल यादव के बारे में पहले सुना जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ सहयोग कर सकते हैं या गठबंधन में जा सकते हैं, उसके बाद में ये आया कि प्रियंका गांधी के उतरने के बाद शायद हो सकता है वो कांग्रेस के पाले में चले। कांग्रेस वाली हवा तो काफी बनी 14 तारीख को जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ उस दिन में खबर भी आ रही थी सूत्रों से कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और प्रियंका गांधी इस चीज की घोषणा कर देंगी कि सपा ये प्रसोपा के साथ हम लड़ रहे हैं, शिवपाल के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ में वो लोग लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसमें अंदर से खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है ये कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर दबाव बना रहा है कि अगर आप शिवपाल यादव के साथ समझौता करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो है अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और किसी भी हालत में कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि जो उनका परंपरागत गढ़ रहा है वहां पे उनको परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोटे तौर पे तीनों ही लोगों के ऊपर कांग्रेस की कमान जो रहेगी, आने वाले चुनाव प्रचार का जो अभियान है उसको नेतृत्व करने की कमान तीनों लोगों के पास ही रहेगी मोटा मोटी तौर पर, और ये अपने ही घरों में नहीं घिरना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको भी बैलेंस करने के लिए बीजेपी एक और तरीका आजमा रही कि गुना से जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ते आए हैं वहां पर वो लोग सोच रहे हैं कि मजबूत कैंडिडेट जो है उनके खिलाफ उतार दें ताकि गुना से उनको फुर्सत ना मिले यूपी या आई ना पाए। हाँ, अगर यूपी में रहते हैं तो वो गुना से हार जाएं इस किस्म से, तो ये फंसाने की जो टैक्टिक्स है वो पूरी तरीके से अब चल रही है। चुनाव से पहले आप इसको और इस तरीके की जिसको हम बोलते हैं रणनीतियां और जो टैक्टिक्स जो होती है और आप देखने वाले हैं आने वाले समय में। जो सीटों को बंटवारा हमने देखा जो सपा बसपा के बीच हुआ है, अगर शहरी सीटें देखें कितनी भी हैं तो ज्यादातर वो सपा के हिस्से में आई हैं और ग्रामीण सीटें बसपा के हिस्से में ज्यादातर जाते दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े शहर हैं कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, ज्यादातर बड़ी सीटें वो सपा ने ली हैं। इसके इस पर कुछ कहेंगे? सपा के साथ में ये है कि सपा पिछले 20-25 साल में एक जो सपा को समर्थन करने वाला जो उसका आधार वोट बैंक है उसको एक बड़ी मदद मिली है कि वो शहरों और ग्रामों में बराबर तरीके से मजबूत हुआ है। मायावती का वोट बैंक खास तौर पर ग्रामीण इलाकों या पिछड़े इलाकों में ज्यादा है, दलितों की अभी पहुंच शहर में या दलितों की अभी भी डेमोग्राफी शहरी डेमोग्राफी में वैसी धमक नहीं है जैसे मतलब पिछले 20 साल में पिछड़े जिस तरीके से शहरों में पहुंचने में कामयाब रहे। एक वजह यह भी हो सकती है, मतलब मेरे को जो समझ में आता है मोटा मोटी, बाकी ये होता है कि सीटों के बंटवारे में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। जैसे पिछला चुनाव जो इनका 37 और 38 सीटों का बंटवारा ये था उसमें पहला सूत्र ये था कि जो पार्टी सेकेंड रही है जहां पे वो वहां पे चुनाव लड़ेगी, तो उस हिसाब से भी मेरे को लगता है क्योंकि इलाहाबाद का उपचुनाव जो है अभी हाल ही में सपा जीती है, उससे पहले इलाहाबाद में सपा शुरुआत में कुंवर रेवती रमन के समय से ही मजबूत रही है, तो इलाहाबाद उनका गढ़ रहा, बड़ा शहर है अवध का, लेकिन फिर उसके बावजूद वहां पे वही लड़ने। बीजेपी लखनऊ की जहां तक बात है वहां पे बीजेपी का होल्ड अच्छा रहा है लेकिन वहां पे सपा उनके खिलाफ लड़ती आई, तो इसी वजह से क्योंकि सेकंड रही होगी पिछली बार, तो इसी तरीके से भी सीटों का बंटवारा हुआ है, तो वो बहुत सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। जी, मेरी ये समझदारी इस बारे में। तो यूपी की फिलहाल जो रणनीति चल रही है, सपा बसपा ने जो सीटें डिक्लेयर की वो हमने आपको बताया, अब देखने वाला ये होगा जब प्रत्याशी घोषित होंगे कि किन सीटों पर कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा, बीजेपी अपने पत्ते जब खोलेगी, तो जो भी अपडेट्स यूपी की राजनीति से जुड़े आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए dlllandtop.com। शुक्रिया।